Okay, it's time to start. We will go ahead with derivation for pressure of gas. So, agar yaad hoga to kal humne derivation of pressure, we have derived equation for pressure exerted by gas. We will continue with the same derivation today. Thoda in detail dekhenge. So, let us continue with derivation of pressure. Derivation of pressure. We have the derivation for pressure of a gas. So basic idea clear होना चाहिए. Fundamental idea यहाँ पे ये था. हमारे पास एक gas है and you know gas is in continuously it is in a state of random motion. तो हमने क्या किया? हमने क्यूब लिया था. So we have taken a box, a cubical box, and in this cubical box, what we have done is we have enclosed certain amount of gas. हमारे पास एक cubical box है, तो पहले मैं cubical box draw कर लेता हूँ, and we will enclose certain amount of gas in that cubical box. थोड़ा lengthy derivation है, तो steps को follow करना each and every step, and also you have to learn how to write down in exam. एग्जाम में लिखना कैसे है उसको भी सिंप्लीफाइड करके देखेंगे. तो व्हाट यू हैव इज अ क्यूबिकल बॉक्स. इस क्यूबिकल बॉक्स में हमारे पास सर्टन अमाउंट ऑफ गैस है. और यहां पे मैं एक्सिस को सेट कर रहा हूँ. यू नो दिस इज सम एक्सिस, मे बी वाई एक्सिस. यहां पे ये था एक्स एक्सिस. And obviously, z-axis you already know. This is z-axis. ये जो वॉल था, इस वॉल को हमने नाम दिया था P Q R S. और अपोजिट जो वॉल है P dash, Q dash, R dash, S dash. This axis was x-axis. इसको हमने बोला था y-axis and this was z-axis. Correct. हमारे पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ गैस है विच इज एनक्लोज्ड इन दिस क्यूबिकल बॉक्स. सबसे पहले तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्रेशर मतलब क्या होता है. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स एक गैस फोर्स कब लगाएगा? व्हेन इट इज मूविंग रैंडमली और मूव होते होते व्हेन इट अंडरगोज कोलिजन विद द वॉल. वॉल रिमेंबर, हम जब भी प्रेशर फाइंड करते हैं तो प्रेशर इज एग्जर्टेड ऑन अ गिवन वॉल. प्रेशर इज नॉट बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भी कोलाइड होगा. बट रिमेंबर, हम यहाँ पे जब प्रेशर की बात करते हैं तो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रेशर ऑलवेज रिमेंबर, जब गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड होंगे तब वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट प्रेशर. तो प्रेशर कम्स फ्रॉम कोलिजन. किसका कोलिजन? मॉलिक्यूल का. किसके साथ? वॉल के साथ. और कभी भी और एक चीज याद रखना, प्रेशर हम हमेशा ऑन अ गिवन वॉल कैलकुलेट करते हैं. क्योंकि कल क्या हुआ, व्हेन आई वाज टेलिंग यू आई टोल्ड यू कि यहाँ कोलिजन हुआ, फिर यहाँ पे गया, फिर वापस आया, तो टोटल तीन कोलिजन हुए. एक कोलिजन पी क्यू आर एस, एक कोलिजन पी डैश टू डैश आर डैश एस डैश, और तीसरा कोलिजन पी क्यू आर एस. लेकिन हमको प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर ऑन दिस वॉल पी क्यू आर एस. तो हम जब टाइम फाइंड करेंगे या डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो डिस्टेंस या वो टाइम होगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विद द सेम वॉल. मतलब पी क्यू आर एस से पहला कोलिजन हुआ, फिर वापस गया, फिर कोलाइड होकर वापस सेकेंड कोलिजन कहाँ पे होना चाहिए? पी क्यू आर एस. क्योंकि प्रेशर आप कहाँ मेजर कर रहे हो? पी क्यू आर एस से. तो ये कंफ्यूजन एकदम एकदम क्लियर कर लो. जब आप प्रेशर फाइंड करते हो तो यू आर फाइंडिंग प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस ऑन अ गिवन वॉल. ऑन अ गिवन वॉल मतलब पहला कोलिजन पी क्यू आर एस से, फिर दूसरा कोलिजन वापस कहाँ पे? पी क्यू आर एस पे. गुड. तो हमने डेरिवेशन कल भी देखा था. अब सिर्फ इतना है कि हाउ डू वी राइट दिस. एकदम सिंप्लीफाई करके लिखना है हमको. तो हमारे पास क्या है, एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस है. इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं. फॉर द टाइम बीइंग मैं एक ही गैस मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ. तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे. कंसिडर
कंसिडर अ गैस, कंसिडर अ सर्टन मास ऑफ गैस, कंसिडर अ सर्टन मास ऑफ गैस enclosed enclosed in the container in the form of cube as shown in figure. तो हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर का शेप क्यूबिकल है, उसमें सर्टन अमाउंट ऑफ सर्टन मास ऑफ गैस है. एक बार ये एक्सप्लेन कर दिया आपने, देन यू जस्ट हैव टू राइट डाउन ऑल द पैरामीटर्स. अभी क्या क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो यू हैव एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं पहले वो दिखा देंगे, वी विल मेंशन दैट. तो लेट कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, number of molecules of gas. Then हर एक molecule का mass, let us say it is small n. So you have n number of molecules और हर एक molecule का mass कितना है small n. Small n be the mass of each molecule. Mass of each molecule. Right? Then therefore, अगर मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल्स n है और हर एक का मास स्मॉल m है, तो n इंटू m विल गिव मी टोटल मास. फॉर एग्जाम्पल यू आर रफली रफली 100 ईयर, हर एक का मास एवरेज 50 किलोग्राम, तो व्हाट इज टोटल मास, 100 इंटू 50 कितना हो गया 5000, राइट करेक्ट. तो सिमिलरली हमारे पास एक कंटेनर था जिसमें हर एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल एन था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे एन, तो टोटल मास कितना हो गया एन इंटू एम, तो एन इंटू एम इज द टोटल मास, टोटल मास ऑफ गैस. यहां तक क्लियर? देन उसके बाद यू हैव टू डिफाइन वॉट इज द साइड ऑफ द क्यूब. अगर याद होगा तो साइड ऑफ द क्यूब इज एल, तो एल इज लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब. तो देयरफॉर ये जो क्यूब है इसके छह फेसेस है, हर एक फेस का एरिया होगा एल स्क्वायर, देयरफॉर ए इक्वल टू एल स्क्वायर. ये क्या है, एरिया. किसका एरिया, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब, each face of cube. Cube मत लिख देना, नहीं तो बोल लोगे area of cube. What is total area of cube? 6L square. क्योंकि हर एक face का area कितना L square. तो 6 faces का area कितना 6L square. Correct. Similarly, what will be volume? L cube. L cube is volume of cube. Volume of cube. Correct. तो जो जो पैरामीटर लगने वाले हैं हमको, हमने पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया. और एक चीज लगेगी, दैट इज डेंसिटी रो. यू नो व्हाट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट वाज टोटल मास, एन इनटू एम, और व्हाट इज वॉल्यूम, एल क्यूब, इज द डेंसिटी ऑफ गैस. तो डेंसिटी हम डिफाइन ही ऐसा करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम. तो ये आ जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम. Total mass is n into m, so density of gas is n m upon l cube. Is that clear? Good. Then, अब तक हमने सिर्फ basic basic parameter define किए कि gas कितना है, gas के number of molecules कितने हैं, हर एक molecule का mass कितना है, तो total mass कितना है, what is area of each face of cube, what is volume of the cube, etc. etc. अभी तक हमने random motion की बात नहीं की. तो व्हाट वी नो इज कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स थे, दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, राइट. वी नो दैट ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स, ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन,
आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, क्योंकि मोशन में है तो हर एक का वेलोसिटी होगा राइट, और हर एक का वेलोसिटी होगा, और एक थ्री डी मोशन है। जब थ्री डायमेंशनल मोशन हो तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। तो पहले कंपोनेंट्स को हम लोग डिफाइन कर देंगे, लेट यू बार इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वी बार इज वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड लास्टली डब्ल्यू बार। अगर आपको याद होगा तो हमने जेड कंपोनेंट के लिए क्या यूज किया था, डब्ल्यू बार। तो डब्ल्यू बार इज नथिंग बट जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट। तो कीप इट सिंपल, जितना हो सके उतना इसे सिंपल रखो, एंड रिमेम्बर इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, थोड़ा लेंदी है यस, बट डिफिकल्ट है नो। तो सिर्फ बेसिक आइडिया पहले क्लियर करते जाओ। गैस था, किसमें था, कंटेनर में था, कंटेनर का शेप क्या था, क्यूब था, क्या क्या है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ ईच इज स्मॉल एन, टोटल मास मिल गया, लेंथ एल है तो एरिया एल स्क्वायर है, वॉल्यूम एल क्यूब है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो एन एम अपॉन एल क्यूब आ गया, एंड सिंस ऑल दिस मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन तो सबके सब मूव हो रहे हैं, सबके सब थ्री डायमेंशन में मूव होंगे, सबके सब अगर थ्री डायमेंशन में मूव होंगे तो थ्री डायमेंशन में है तो वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट है, कौन कौन से तीन कंपोनेंट है, एक्स वाई जेड। तो एक्स कंपोनेंट को क्या नाम दे दिया हमने, यू बार, वाई को वी बार एंड जेड को डब्ल्यू बार। अब बिकॉज यू हैव सो मेनी, बिकॉज यू हैव सो मेनी कंपोनेंट्स, सो मेनी मॉलिक्यूल्स, तो हर एक मॉलिक्यूल का हमको, हर एक मॉलिक्यूल का हमको स्पीड कितना ये भी बताना पड़ेगा। तो सी वन बार इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल। एक काम करते हैं, ऐसा अलग अलग से लिखने की जगह पे लेट लेट सी वन बार, सी टू बार, सी थ्री बार, अप टू सी एन बार बी द वेलोसिटीज ऑफ, बी द वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होगी सी वन, दूसरे की होगी सी टू, तीसरे की होगी सी थ्री, सी फोर, सी फाइव एक्सेट्रा एक्सेट्रा राइट। तो पहले मॉलिक्यूल को आप कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे, सी वन बार इक्वल टू यू वन बार प्लस प्लस वी वन बार प्लस डब्ल्यू वन बार, वेयर यू वन इज एक्स कंपोनेंट, वी वन इज वाई कंपोनेंट एंड डब्ल्यू वन इज जेड कंपोनेंट, या फिर यू वन आई कैप प्लस वी वन जे कैप प्लस डब्ल्यू वन के कैप राइट, वैसा भी चलता है। तो सी टू इक्वल टू यू टू बार प्लस वी टू बार प्लस डब्ल्यू टू बार, ऐसा ही एंथ के लिए, एंथ मॉलिक्यूल के लिए यू एन बार प्लस वी एन बार प्लस डब्ल्यू एन बार। यहाँ तक क्लियर राइट। तो इफ यू रिमेम्बर, अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर विच इज हैविंग एक्स कंपोनेंट एज ए एक्स, अब ये ए एक्स को ए एक्स आई कैप लिखो, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सीधा ए एक्स के ऊपर एक बार डाल देना, तो ए एक्स बार प्लस ए वाई बार प्लस ए जेड बार, ऐसा भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड को आप या तो मॉड में लिखोगे या तो ए के ऊपर कुछ नहीं लिखोगे, इट विल बी अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, करेक्ट। देन सिमिलरली जो पहला मॉलिक्यूल था उसका जो स्पीड था सी वन, उसका वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा यू वन स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वन स्क्वायर, सी टू का स्क्वायर आएगा यू टू स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू टू स्क्वायर प्लस प्लस सॉरी, ऐसा करते करते एंथ मॉलिक्यूल का आएगा यू एन स्क्वायर प्लस वी एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर राइट, करेक्ट। देन यहां तक अगर क्लियर है
तो फिर अब जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उसमें से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की पहले बात करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर एक साथ आप सारे के सारे मॉलिक्यूल्स लोगे तो डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और क्योंकि रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन का एक एडवांटेज होता है कि जो कुछ एक मॉलिक्यूल के लिए होगा वही थ्योरी सारे के सारे मॉलिक्यूल के लिए है। नंबर टू, जो एक डायरेक्शन में हो रहा है वो ही सब डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब पहले तो हम सारे मॉलिक्यूल में से, देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 10^23, मैंने अगर एक मोल भी ले लिया, 1 मोल ऑफ अ गैस, इट कंटेन्स 6.023 × 10^23 मॉलिक्यूल्स। तो एक साथ मैं 6 × 10^23 मॉलिक्यूल्स का स्टडी नहीं कर सकता। तो वन बाय वन एक मॉलिक्यूल लो। अब जो कुछ थ्योरी एक मॉलिक्यूल के लिए होगा वो सबके लिए होगा। नंबर टू, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये 3D मोशन में है। 3D मोशन में होना मतलब इसका एक्स कंपोनेंट भी है वेलोसिटी का, इसका वाई भी है, इसका जेड भी है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले सिर्फ एक ही कंपोनेंट के लिए सॉल्व करते हैं। वी जस्ट सॉल्व ओनली फॉर वन कंपोनेंट, वो बाय चॉइस है। आपको चाहिए तो आप पहले वाई कंपोनेंट सॉल्व करो, आपको चाहिए तो आप पहले जेड कंपोनेंट भी सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट? तो मैं ले रहा हूँ पहले वी आर टेकिंग फॉर एक्स कंपोनेंट। करेक्ट? तो एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेंगे विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी यू वन अलॉन्ग एक्स एक्सिस टूवर्ड्स वॉल पी क्यू आर एस। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना वो देखेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल वन, ऑफ मॉलिक्यूल वन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो मेंशन करना पड़ेगा वहां पे, राइट? तो इसको मैं बोलता हूँ पी आई, इनिशियल मोमेंटम इज पी आई। आपको पता है मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी एम यू वन। करेक्ट? अब होगा क्या, ये जाएगा कोलिजन करके वापस आएगा। तो दिस मॉलिक्यूल विल कम बैक आफ्टर कोलिजन, एंड व्हेन इट इज कमिंग बैक मतलब इट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो अब वेलोसिटी कितना होगा इसका, माइनस यू वन। तो फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विथ वॉल पी क्यू आर एस विल बी माइनस एम यू वन। तो फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ऑफ दिस मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन विथ द वॉल पी क्यू आर एस इज फाइनल मोमेंटम इज माइनस एम यू वन। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल इज नाउ ट्रेवलिंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ तक क्लियर, राइट? तो धीरे धीरे लिंक करते जाओ, अपने आप आएगा। फिर क्योंकि मोमेंटम चेंज हुआ तो क्या फाइंड करेंगे, चेंज इन मोमेंटम। देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि मैं फिलहाल सिर्फ एक्स कंपोनेंट की ही बात कर रहा हूँ, अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज, तो डेल्टा पी विच इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल था माइनस एम यू वन, माइनस इनिशियल था एम यू वन, तो माइनस एम यू वन एंड माइनस एम यू वन इज माइनस टू एम यू वन। करेक्ट? देन मैग्नीट्यूड वाइज, तो मैग्नीट्यूड वाइज व्हाट यू हैव इज, मैग्नीट्यूड वाइज यू हैव डेल्टा पी इक्वल टू 2 mu1। मैग्नीट्यूड वाइज मतलब बेसिकली मॉड वैल्यू, मतलब नेगेटिव साइन छोड़ दो। तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम। मैंने आपको कल बताया था कि अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था हमको, प्रेशर। तो मैंने आपको ये बताया था कि प्रेशर जब फाइंड करना है तो प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। करेक्ट? तो फोर्स कैसे फाइंड करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। तो
डीपी तो मिल गया। अब डीटी, डीटी मतलब टाइम बिटवीन, टाइम टेकन बाय दिस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ये अच्छे से समझ लो, मैंने अभी भी बताया था। टू सक्सेसिव कोलिजन जब मैं बोल रहा हूँ तो टू सक्सेसिव कोलिजन विद द सेम वॉल, नहीं तो होगा क्या, यहाँ पे पहला कोलिजन हुआ, यहाँ पे दूसरा कोलिजन हुआ, फिर आप बोलोगे दो सक्सेसिव कोलिजन में डिस्टेंस कितना है, एल है, लेकिन प्रेशर कभी भी हम फाइंड करते हैं ऑन अ गिवन वॉल। ये गिवन वॉल कौन सा है, पी क्यू आर एस। तो पहला कोलिजन यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ गया, यहाँ पे दूसरा कोलिजन हुआ, यस, लेकिन नॉट विद द सेम वॉल, ये दूसरा वॉल है, मैं सेम वॉल की बात कर रहा हूँ, राइट। तो एक कोलिजन करके यहाँ पे आया, वापस गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ, एल प्लस एल, टू एल। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विद द सेम वॉल पी क्यू आर एस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल, बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टू सक्सेसिव कोलिजन्स विद द सेम वॉल, विथ द सेम वॉल पी क्यू आर एस एस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टू एल, डिस्टेंस इक्वल टू एल प्लस एल, दैट इज टू एल, राइट। देन तो डिस्टेंस कितना है, टू एल, राइट। देन वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि ये जो दो कोलिजन हुए थे सेम वॉल के साथ, इसको टोटल टाइम कितना लगा, व्हाट इज टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज़ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। देन द टाइम बिटवीन, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स विथ वॉल पी क्यू आर एस, विथ वॉल पी क्यू आर एस एस, बस सिंपल है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने ऑलरेडी देखा 12, स्पीड था u1, क्योंकि हम फिलहाल सिर्फ एक्स कंपोनेंट की ही बात कर रहे हैं, तो ओनली u1। हमको टाइम इंटरवल क्यों चाहिए था, क्योंकि हमको फोर्स चाहिए, फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो अभी चेंज इन मोमेंटम भी हमारे पास है, कितना है, टू एम यू वन, और टाइम भी है टू एल बाय यू वन, देयरफॉर फोर्स एग्जर्टेड बाय, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऐसा लिखेंगे, तो वी विल राइट डाउन एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाय, या फिर एग्जर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑन वॉल पी क्यू आर एस, ऑन वॉल पी क्यू आर एस एस, क्योंकि हम सारे के सारे एक्स कंपोनेंट डिफाइन कर रहे हैं, तो फोर्स का भी क्या होगा, एक्स कंपोनेंट। आपको पता है फोर्स ड्यू टू फर्स्ट मॉलिक्यूल का एक्स कंपोनेंट, इट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम था टू एम यू वन, अपॉन टाइम था टू एल अपॉन यू वन, टू टू कैंसल, दिस इज इक्वल टू एम यू वन स्क्वायर बाय एल। ये आ गया आपके पास पहले मॉलिक्यूल का फोर्स का एक्स कंपोनेंट। अब सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, यू हैव लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स दे आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, तो ये सब जाके कोलाइड होंगे पी क्यू आर एस के साथ, तो सिमिलरली सिमिलरली फोर्सेस एग्जर्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स, फोर्सेस एग्जर्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स ऑन वॉल पी क्यू आर एस
on wall PQRS are, सेकेंड मॉलिक्यूल का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा एम यू टू स्क्वायर बाय एल, थर्ड मॉलिक्यूल का जो कंपोनेंट होगा वो होगा एम यू थ्री स्क्वायर बाय एल, ऐसे ही एंथ मॉलिक्यूल का जो कंपोनेंट होगा वो होगा एम यू एन स्क्वायर बाय एल, करेक्ट। तो फिर टोटल फोर्स, टोटल फोर्स विल बी एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स अप टू एफ एन एक्स, देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन वॉल कौन सा पी क्यू आर एस, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा है ना, क्या बोलोगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ टोटल फोर्स, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ टोटल फोर्स ऑन द वॉल, तो सिर्फ इतना ही चेंज है, एक्स कंपोनेंट ऑफ टोटल फोर्स ये आ जाएगा एफ एक्स, दिस इज एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस 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 एफ एन एक्स, राइट। देयरफॉर ये जो टोटल फोर्स फाइंड करना है, इन तीनों को ऐड करना है, तीनों चारों जितने हैं एन उनको ऐड करना है, व्हाट वाज एफ वन एक्स एम यू वन स्क्वायर बाय एल प्लस एम यू टू स्क्वायर बाय एल, ऐसा एंथ कंपोनेंट तक ऐड करते जाएंगे एम यू एन स्क्वायर बाय एल। देयरफॉर ये जो टोटल फोर्स आया, एक्स कंपोनेंट आया, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, एम बाय एल कॉमन निकलेगा, यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस 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 यू एन स्क्वायर, यहां तक क्लियर। हमको चाहिए था प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो पहले अभी मैंने सिर्फ नोट्स में सीक्वेंस अलग दिया है, मैंने एक्स कंपोनेंट के बाद वाई कंपोनेंट निकाला, फिर जेड कंपोनेंट निकाला, फिर प्रेशर फाइंड किया, डजंट मैटर क्योंकि उसमें स्टेप्स बढ़ जाते हैं, तो इसमें स्टेप्स कम करने हैं मुझे, तो व्हाट आई विल डू इज मैं दो तीन स्टेप स्किप कर रहा हूँ। देयरफॉर एक्स कंपोनेंट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल पी क्यू आर एस on wall PQRS is PX equal to क्या आएगा, FX upon A, right? 1 upon A अलग कर लो, और आपको पता है एरिया कितना था हर एक फेस का, L square, तो 1 upon L square, और FX कितना आया आपका, M by L U1 square plus U2 square plus 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 up to UN square, तो ये मिल गया आपको m अपॉन l क्यूब, m अपॉन l क्यूब u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर अप टू un स्क्वायर, ये हो गया x कंपोनेंट। सिमिलरली आप y और z कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हो, तो सिमिलरली यहाँ पे अब डिराइव नहीं करना है, हमको सिर्फ लिख देना है, सिमिलरली y कंपोनेंट ऑफ प्रेशर सिर्फ चेंज क्या होगा, u की जगह पे v आएगा, दैट्स इट, दिस इज इक्वल टू m अपॉन l क्यूब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर, एंड z कंपोनेंट प्रेशर का z कंपोनेंट आएगा m अपॉन l क्यूब w1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर अप टू डब्ल्यू एन स्क्वायर, राइट। यहाँ तक क्लियर, तो पी एक्स सी वाई पी जेड मिल गया आपको। अब क्योंकि मोशन रैंडम है, रैंडम मोशन में ऐसा होता है कि जो एक डायरेक्शन में हो रहा है वही सब डायरेक्शन में होगा, तो सिंस द मोशन इज रैंडम, therefore, hence, याद होगा, hence, px equal to py equal to pz, इसको मैं बोल देता हूँ p, therefore, total pressure
टोटल प्रेशर इज पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड इज इक्वल टू पी प्लस पी प्लस पी, देयरफॉर पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड इक्वल टू 3p, एंड देयरफॉर p इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन 3। गुड, अब ये जो 1/3 है इसको अलग रखो, पी एक्स पी वाई पी जेड आपको पता ही है, तो यहां से p इक्वल टू 1/3 को मैंने अलग रख दिया, पी एक्स व्हाट वाज पी एक्स m अपॉन l क्यूब u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस अप टू un स्क्वायर, यहां पे लिख रहा है वो पी वाई एंड पी जेड, तो पी एक्स m बाय l क्यूब u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर प्लस पी वाई m बाय l क्यूब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस प्लस अप टू vn स्क्वायर प्लस m बाय l क्यूब w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर अप टू wn स्क्वायर, करेक्ट? इन सब में क्या कॉमन है? m बाय l क्यूब, तो 1/3 और m बाय l क्यूब भी आ गया बाहर, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, अगर शॉर्टकट मारना है तो सी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर सी थ्री स्क्वायर अप टू सी एन स्क्वायर, नहीं तो फिर पहले लिखो यू वन स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू टू स्क्वायर प्लस, तो आई विल नॉट डू दैट, सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर अप टू सी एन स्क्वायर, करेक्ट? तो ये आ गया आपके पास प्रेशर का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर एंड सी एन स्क्वायर, राइट? अब यहां तक आने के बाद इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर अगर आपको याद होगा हमने कल CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिफाइन किया था, तो उसको यूज करेंगे, क्योंकि नॉर्मली मैंने आपको बताया है नॉर्मली होता क्या है, हमारे पास इतने सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, हम इंडिविजुअल स्पीड्स तो फाइंड नहीं कर सकते, तो हम एवरेजेस की बात करते हैं, और हम नॉर्मल एवरेज नहीं लेते, यहाँ पे हमने पहले मीन वेलोसिटी डिफाइन किया था, फिर मीन स्क्वायर डिफाइन किया था, फिर रूट मीन स्क्वायर डिफाइन किया था। तो जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो नॉर्मली इक्वेशन हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रूट मीन स्क्वायर, क्योंकि हर एक का तो हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन रूट मीन स्क्वायर हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड करते हैं वो अगला टॉपिक है, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जब बोला कि हम एक एक स्पीड तो फाइंड नहीं कर सकते, फिर यू में आज ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, बट वेट, सी आर एम एस ये तो हमने डिफाइन ही ऐसा किया ना, सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर अप टू सी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इसका रूट, तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन आना चाहिए था, पहले तो बोलते हो कि ये मेजर नहीं कर सकते, फिर बोलते हो सी आर एम एस तो सी वन सी टू सी थ्री से ही आया, तो मतलब मुझे पहला वेलोसिटी मेजर करना पड़ा, उसका स्क्वायर किया, फिर दूसरा मेजर किया, उसका स्क्वायर किया, फिर ऐसा करते गए सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय एन, ये जनरल फॉर्मूला है, हम ऐसा नहीं करते, तो कैसा फाइंड करते वो बाद में समझेगा, फिलहाल इतना समझ लो कि ये इंडिविजुअल स्पीड हम नहीं मेजर कर सकते, 10^23 एक मोल भी ले लिया मैंने, एक मोल 10^23 मॉलिक्यूल्स है उसमें, सिंगल मोल में 10^23, अगर मैंने बोला 10 किलोग्राम तो थाउजेंड्स ऑफ मोल होंगे, तो 10^26 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कहाँ से मेजर करोगे, नहीं कर सकते, राइट? तो फिर कैसा करते हैं वो अगला टॉपिक है, वो बाद में देखेंगे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इफ यू स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ये टॉपिक ऐसा ही है, एक पूरा लेक्चर लगता है इसको अगर अच्छे से करोगे तो, वी गेट सी आर एम एस स्क्वेयर इक्वल टू सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस 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 सी एन स्क्वायर बाय एन, तो देयरफॉर सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, देयरफॉर ये जो एन था इसको शिफ्ट कर दो, तो एन सी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू सी वन स्क्वायर प्लस
टू स्क्वायर अप टू सी एन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। ये इक्वेशन नंबर टू कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा? इक्वेशन नंबर वन में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू वी गेट क्या मिलेगा हमको? प्रेशर पी इक्वल टू 1/3 एम बाय एल क्यूब। सी वन सी टू सी थ्री ये सब जो स्क्वेयर्स है ये आपको मिलने वाला है यहाँ पे एन सी आर एम एस स्क्वेयर, करेक्ट। देन पी इक्वल टू 1/3, ये एन यहाँ पे लाए तो एन एम अपॉन एल क्यूब सी आर एम एस स्क्वेयर। ये एन एम क्या था? टोटल मास। तो प्रेशर पी इज 1/3 टोटल मास। एल क्यूब क्या था? वॉल्यूम सी आर एम एस स्क्वायर। व्हाट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम? डेंसिटी। तो ये आ गया आपके पास प्रेशर का इक्वेशन। देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, इक्वेशन ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, ऑफकोर्स ऑन अ गिवन वॉल ऑफ कंटेनर, राइट? तो 1/3 रो सी आर एम एस स्क्वेयर। तो कुछ ज्यादा नहीं है, इट इज जस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/2 पांच पेज है, दैट्स इट। टोटल 5 पेजेस का डेरिवेशन है, बट इट इज रियली सिंपल। एक बार आपने ब्रेन मैपिंग कर लिया तो देन यू डोंट नीड टू रीड दिस अगेन एंड अगेन। तो एक बार अच्छे से समझ लिया हो गया, अपने आप फ्लो आता है। हाँ ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ये करना है, फिर वो करना है, डन। अब पिछले डेरिवेशन में मैंने एक चीज बताई थी कि सी आर एम एस में क्यों लाया, क्योंकि सी आर एम एस इज अ क्वांटिटी विच कैन डायरेक्टली बी मेजर्ड। तो वो मेजर कैसा होता है वो देखते हैं, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। रिलेशन बिटवीन सी आर एम एस, रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रिलेशन बिटवीन बिटवीन रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी वेलोसिटी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल। काइनेटिक थ्योरी के जो अजम्पशन थे उसमें एक अजम्पशन था, शायद हमने नहीं लिया है या मे बी मैंने लिखा नहीं है नोट्स में, डजंट मैटर। लेकिन एक अजम्पशन है विच टेल्स यू कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है दे आर नॉन इंटरैक्टिंग। नॉन इंटरैक्टिंग का मतलब ये होता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो टोटल दो टाइप के एनर्जी होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। अब याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी कब होगा? जब पार्टिकल या मॉलिक्यूल मोशन में है। सो वेन एवर यू हैव अ मॉलिक्यूल विच इज मूविंग, मतलब जिसका स्पीड है, जिसका वेलोसिटी है, उसको काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आता है? इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम इंटरैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपका पोटेंशियल एनर्जी एंड अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, आपका मास है, अर्थ का मास है, ये दोनों मासेस क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। कैसे पता लगा? मैं एक पेन का एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने इसको अगर छोड़ दिया कहाँ जाएगा? क्यों गया? मतलब अर्थ की ग्रेविटी ने पुल किया, मतलब इस पेन में और अर्थ में क्या है? इंटरैक्शन। तो जब जब इंटरैक्शन हो दो मासेस में तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब जब दो, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब जब दो चार्जेस में इंटरैक्शन हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट? रिमेंबर दिस। तो पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? वेन एवर देर इज इंटरैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। लेकिन हमने जब काइनेटिक थ्योरी के असम्पशन देखे थे तो उसमें एक असम्पशन होना चाहिए था। हमको पता है ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है दे आर फार अवे फ्रॉम इच अदर, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉन इंटरैक्टिंग। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ फोर्स एक्सचेंज नहीं करता है, दे डू नॉट एक्सर्ट फोर्सेस। तो अगर फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो व्हाट एवर यू हैव इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्यों लाया मैं? क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर।
हम यहाँ तो वी नहीं यूज करेंगे, हम सी यूज करेंगे, कौन सा सी यूज करेंगे, सी आर एम एस। तो व्हाट विल बी कार्डिंग जी, हाफ एम सी आर एम एस स्क्वायर। सो दैट इज व्हाई यू शुड नो दिस। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, वी नो दैट व्हाट डू यू नो, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर नॉन इंटरैक्टिंग। ये अजम्पशन है, ये आइडियल गैस का अजम्पशन है, रियल गैस में ऐसा नहीं होता, दे आर इंटरैक्टिंग। सो वी नो दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर नॉन इंटरैक्टिंग एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो जो भी एनर्जी है दैट इज ओनली काइनेटिक, देयरफॉर टोटल एनर्जी इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशंस अगले टॉपिक में हम डिराइव करने वाले हैं, फिलहाल इतना सफिशिएंट है। Also we know that प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज गिवन बाय, अभी अभी हमने प्रेशर का इक्वेशन डिराइव किया, याद है, हाफ रो सी आर एम एस स्क्वेयर, और रो मास अपॉन वॉल्यूम था, क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, गुड। तो मास अपॉन वॉल्यूम है ना 1/3, ओके। सो पी इक्वल टू 1/3, रो इज मास अपॉन वॉल्यूम सी आर एम एस स्क्वेयर। एक काम करेंगे, इस पीवी को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, 3 को भी शिफ्ट कर लेंगे, तो 3 पीवी इक्वल टू एम सी आर एम एस स्क्वेयर। लेकिन मैंने यहाँ पे ये वर्ड जानबूझ के यूज किया था, नॉन इंटरैक्टिंग। जैसे नॉन विस्कस फ्लूइड मतलब आइडियल फ्लूइड, वैसे ही नॉन इंटरैक्टिंग गैस मतलब आइडियल गैस। तो आइडियल गैस है ये बताने के लिए ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ। अगर आइडियल गैस है तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। तो सिंस द गैस इज आइडियल, आइडियल गैस इज नॉन इंटरैक्टिंग, याद रखना, देयरफॉर पीवी इक्वल टू एन आर टी, एंड देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स। तो एक एक स्टेप यहां पे मैटर करेगा, सिर्फ एक वर्ड नॉन इंटरैक्टिंग कैन चेंज द इक्वेशन। अगर मैंने ये वर्ड नहीं लिखा होता तो फिर मैं रियल गैस इक्वेशन अप्लाई करता, और रियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं होता है, वो कुछ और होता है, वो बाद में सीखोगे, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू एनआरटी, वो बाद में आएगा, राइट। वो सिर्फ जेई नीट वालों को आता है नॉर्मली, आपके लिए नहीं है वो, तो छोड़ दो उसको। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये जो पीवी है यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एन आर टी इक्वल टू एम सी आर एम एस स्क्वेयर। एक्चुअली तो डेरिवेशन यहीं पे खत्म हो गया, एन कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट टी कॉन्स्टेंट एम कॉन्स्टेंट, सॉरी टी इज नॉट कॉन्स्टेंट, टी इज चेंजिंग, 3 कॉन्स्टेंट, एन कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट एंड एम कॉन्स्टेंट, तो सी आर एम एस स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो एक्चुअली तो यहीं पे खत्म हो गया वो, सी आर एम एस स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो सी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यही डिराइव करना था, हो गया, लेकिन एक दो स्टेप बढ़ाएंगे। तो वॉट यू कैन डू इज, मैंने वहां पे और एक सेंटेंस लिखा था जिसमें मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो ओनली एनर्जी इज काइनेटिक। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वेयर, करेक्ट। तो मैं अगर हाफ से डिवाइड कर देता हूँ तो राइट हैंड साइड पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, रिमेंबर दिस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो मिल गया आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, हाफ सी आर एम एस स्क्वेयर, करेक्ट। देन अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप बोल सकते हो, देयरफॉर
RMS square is proportional to T, and therefore C RMS is proportional to root of T. इसका मतलब अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड करना है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है C1 मेजर करने की, C2 मेजर करने की, CN मेजर करने की। मैं सिंपल सा काम करूंगा, उस कंटेनर में एक थर्मोमीटर डालूंगा, थर्मोमीटर बताएगा टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे केल्विन स्केल में, क्योंकि थर्मोमीटर आपको देता है डिग्री सेल्सियस में, राइट। तो CRMS कैन बी डायरेक्टली फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। तो जो प्रॉब्लम आ रहा था हमको कि हमको हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वेलोसिटी फाइंड करना पड़ रहा था, वो प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया सॉल्व। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन CRMS एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो स्टेप्स भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने। हमने प्रेशर के इक्वेशन से स्टार्ट किया, प्रेशर इज 1/3 रो CRMS स्क्वायर, रो इज डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को और 3 को वहां शिफ्ट कर लिया, तो 3 PV इक्वल टू MCRMS स्क्वायर, PV इक्वल टू NRT, तो 3 NRT इक्वल टू MCRMS स्क्वायर, गुड। तो CRMS स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T, तो CRMS इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T। यहां तक क्लियर, गुड। देन अब हमको चाहिए एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जीज। देखो अब एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जीज मैंने प्लूरल फॉर्म यूज किया, व्हाई काइनेटिक एनर्जीज? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, 4 से 5। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंटेनर था, कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, तो टोटल गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैं टोटल गैस का काइनेटिक एनर्जी मेजर कर सकता हूँ, नंबर वन। मैं पर मोल का भी मेजर कर सकता हूँ, नंबर टू। थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाओ, चलो एग्जांपल लेते हैं। ये क्लास है, आप सब मॉलिक्यूल्स हो, यू ऑल आर मूविंग, इमेजिन यू आर मूविंग, मैं तो स्टार्ट खड़े होंगे मूव होना स्टार्ट, तो इमेजिन दैट यू आर मूविंग, सिंस ऑल ऑफ यू आर मूविंग, आप सबका काइनेटिक एनर्जी है, मैंने सबके काइनेटिक एनर्जी को मेजर किया, दैट विल बी टोटल, तो हम टोटल मेजर कर सकते हैं। नंबर टू, मुझे ऐसा लगा कि एक काम करते हैं, यहाँ पे एक यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, इमेजिन इस क्लासरूम का वॉल्यूम है 20 m³, इमेजिन मुझे देखना है 1 m³ में कितना काइनेटिक एनर्जी, उसको बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। फिर मुझे लगा कि नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम तो मेजर हो गया, मुझे पर मोल का करना है। फॉर एग्जाम्पल इस क्लासरूम में टोटल 100 मोल है गैस का, 100 मोल है, हर एक मोल का कितना एनर्जी, तो वो मेजर कर सकते हो, 3 हो गए, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर मोल हो गया। आप ये भी मेजर कर सकते हो, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ गैस। 1 kg और 1 mole सेम नहीं होता, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। एंड लास्टली आप सब मॉलिक्यूल थे, हम आप सबका एनर्जी था, तो आई कैन मेजर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये 5 इक्वेशन हमको डिराइव करने हैं। दे आर वेरी सिंपल, तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आएगा, फटाफट होगा। याद रखना जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अच्छे से देख लेना कि पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी टोटल पूछा है, पर मॉलिक्यूल पूछा है, पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, पर यूनिट मास पूछा है, या फिर पर मॉलिक्यूल पूछा है, वो देख लेना एक बार। तो एक्सप्रेशंस फॉर काइनेटिक एनर्जीज उसमें नंबर वन टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी तैयारी करके रखी थी, 3/2 NRT इक्वल टू हाफ, राइट। या फिर वापस से स्टार्ट करोगे तो वापस वही, वी नो दैट व्हाट इज प्रेशर, 1/3 रो CRMS स्क्वायर, सो वी नो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज गिवन बाय is total pressure P is 1/3 rho CRMS square, then
प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम सी आर एम एस स्क्वायर. तो देयरफॉर 3 PV से 3V को शिफ्ट कर दिया इक्वल टू एम सी आर एम एस स्क्वायर. पीवी इक्वल टू एनआरटी मत लिखना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हम एक गैस का डायरेक्ट प्रेशर और डायरेक्ट वॉल्यूम भी मेजर कर ही सकते हैं. कैसे करोगे वॉल्यूम? वॉल्यूम तो हमको पता है ना, हमने कौन से कंटेनर में गैस को रखा है, तो वॉल्यूम तो हम मेजर कर ही सकते हैं. सपोज एक क्यूब है, तो क्यूब का सिर्फ साइड लेंथ मेजर कर लूंगा, उसका क्यूब कर लूंगा. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? एल क्यूब. और प्रेशर कैसे मेजर करते हो? तो प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोगों ने ही सेकेंड चैप्टर में डिवाइसेस देखे थे, मैनोमीटर था राइट. बैरोमीटर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है, मैनोमीटर से हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं इसका. तो हमारे पास ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जो प्रेशर मेजर करके दे देंगे. तो हम क्या करेंगे, दोनों को, दोनों साइड को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. और जब जब आप सी आर एम एस लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट याद रखना ये टोटल गैस, क्योंकि सी आर एम एस में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, C1² + C2² + C3² up to CN². तो यहाँ पे सी आर एम एस लिखना मतलब टोटल गैस की बात हो रही है. तो देयरफॉर ये क्या आ गया फिर, टोटल काइनेटिक एनर्जी. तो 3/2 PV दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस राइट. सो दिस इक्वेशन गिव्स टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस. दिस इक्वेशन गिव्स टोटल काइनेटिक एनर्जी. और यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये भी है कि ये टोटल एनर्जी है. क्यों? क्योंकि नॉन इंटरैक्टिंग है, नॉन इंटरैक्टिंग में पोटेंशियल तो होता नहीं है. तो व्हाट एवर एनर्जी यू हैव इज ओनली काइनेटिक. तो ये टोटल काइनेटिक मतलब टोटल एनर्जी है राइट. फिर दूसरा केस है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 m³ वॉल्यूम में. क्योंकि हम जब बॉक्स बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि मैं 1 m³ का ही बॉक्स लूंगा, मैं उससे बड़ा भी ले सकता हूँ, मैं छोटा भी ले सकता हूँ, मैं 100 m³ का ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ 20 m³ का. ओके फाइन. सो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट डू मीन बाय पर यूनिट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर यूनिट? पर यूनिट मतलब डिवाइड बाय रेशो, करेक्ट. तो हमको अभी ऑलरेडी पता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है. वी नो दैट व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, कितना है? 3/2 PV राइट. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज, तो क्या करोगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करोगे. व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी? 3/2 PV. और किससे डिवाइड किया? वी. तो क्या आ गया 3/2 P हो गया. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया 3/2 P राइट. तो इज दिस डिफिकल्ट? नो, नॉट एट ऑल. अब 3 रह गए, पर मोल, पर मॉलिक्यूल एंड per unit mass. So that we will take in the next stage. Thank you.